अल्पसंख्यक इलाके कहकर सेकुलर नेताओं ने हिंदुओं को तो रोक दिया, लेकिन अब क्या जंगल के बाघों को भी यही लॉजिक देंगे सेकुलर नेता? देश के सबसे पुराने नेशनल पार्क से लेकर देवभूमि उत्तराखंड हजार से अधिक अवैध मजारों से भरा पड़ा है। आज तक रिपोर्टर ने वहां जाकर तहकीकात की तो पता चला कि सिर्फ 1 किलोमीटर के रास्ते में 6 मजार बना दी गई है। आखिर कौन ये साजिश कर रहा है? और इन मजारों को खोदने पर एक बात तो तय है कि इन नकली मजारों के नीचे कोई अवशेष नहीं पर जमीन हथियाने के मंसूबे जरूर छिपे हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया हो। दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन की दरगाह के पास भी अवैध तरीके से मजार बनाई गई, जिसको नोटिस के बावजूद खाली नहीं किया गया, जिसके बाद उस पर PWD द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं आप MLA दिल्ली के हौस खास में मौजूद डियर गार्डन को एक कब्रिस्तान में बदलने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए उसने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात भी की थी। बिहार के सासाराम में 23 साल पुराने अशोका शिलालेख को भी मजार में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जबरदस्ती वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में भी अवैध तरीके से मजार और मस्जिदें बना दी गई, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट को वापस लेना पड़ा। और आज भी यूपी के कई शहरों में सरकारी जमीन पर अवैध मस्जिद और मजारें बनाई जा रही हैं, जिसको लेकर कोर्ट में ये मामला चल रहा है। वहीं असम के नागांव जिले में 1900 एकड़ जमीन जहां 11,000 लोग अवैध तरीके से रह रहे थे और वहां मस्जिदें और अवैध स्कूल बना रहे थे, जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार देहरादून में अवैध कब्जे को लेकर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में कुंभ में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों की अवैध बस्तियां बन रही हैं। लेकिन जब इन कब्जों पर कोर्ट कार्रवाई करता है तो अल्पसंख्यक नेताओं को मिर्ची लगना तो लाजमी है, लेकिन यहाँ तो हिंदू नेता भी या तो धरने पर बैठ जाते हैं या फिर कैंडल मार्च निकालने लगते हैं। सिर्फ यही नहीं, हिमाचल प्रदेश में सड़क के किनारे से लेकर वन विभाग या रेलवे की जमीनों पर अतिक्रमण कर उस पर मस्जिदें बनाई जा रही हैं, जिनकी संख्या 520 से भी अधिक हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि हल्द्वानी मामले में जो विपक्षी और लिबरल धरने के समर्थन में उतर गए थे, वो क्यों इन अवैध कब्जों पर फेविकॉल पीकर बैठ गए हैं? इस साजिश के पीछे क्या है वजह? ऐसा करने के पीछे इनका मकसद यही है कि सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर वहां बसा जाए और डेमोग्राफी को भी बदल दिया जाए,